एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मांगेंगे हमारे एंजल से हमारे लिए मार्गदर्शन, गाइडेंस, जो हमें हेल्प करेगा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें हमारी जिंदगी को लेके जाना है दोस्तों का, कि ताकि हम हमारे जीवन में सक्सेस मैनिफेस्ट कर सके, प्यार मोहब्बत मैनिफेस्ट कर सके, खुद को इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाए जहाँ पे हमने सोचा है खुद की तकदीर को। ठीक है, तो वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस लाती हूँ, जिसे काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। ये सारा कंटेंट मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ, लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को सो मच, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल यार, कि मतलब सब लोग इतना सराहते हैं इस कॉन्टेंट को, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने आप सब लोगों के लिए पहले ही 3 कार्ड शफल करके रखे, देखते हैं पहले कार्ड में क्या छुपा है। बिग हैप्पी चेंजेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग एंड हैप्पी चेंजेस। तो जल्द से जल्द आपको आपके लाइफ में बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो किसी भी मोड से हो सकते हैं। आपने अगर सोचा होगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है, देर आर अ चांसेस आपको जॉब मिल जाए, और ना ही जॉब मिल जाए, बिग हैप्पी चेंजेस मतलब आपने जो सोचा है उससे कई ज़्यादा आपको मिलेगा। इट मीन्स लाइक अगर आपने जॉब सोची है, काश मुझे ये जॉब मिल जाए, मैंने इंटरव्यू दे दी है, तो विद जॉब आपने अनएक्सपेक्टेड सैलरी भी आपको मिल सकती है। अगर आप सोच रहे हो मैं घर ले लूँ, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ घर ले लूँ, 1 BHK लेना था बट मेरे बजट में 2 BHK अभी आ रहा है, ठीक है, या फिर मेरी डिज़ायर्ड लोकेशन पे मुझे घर मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम में मुझे इतने मार्क्स आ जाए, हाउएवर फर्स्ट क्लास से ज़्यादा मेरे को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गए, तो मतलब आपको एबंडेंस दिखाई देगा। एंड ये जो रीडिंग है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए दोस्तों। बिग एंड हैप्पी चेंजेस यू आर एबल टू सी इन योर लाइफ, मतलब आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। जब होगा प्लीज इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। सेकंड कार्ड, ट्रस्ट। सी, यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यूनिवर्स, एंजल्स, हर किसी के ऊपर। जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, आपको ऐसे बिग और हैप्पी चेंजेस दिखाई नहीं देते। एंड आई गेस यू आर दैट पर्सन जो परफेक्टली अलाइनमेंट में हो, मतलब आई कैन सी आपकी जो अलाइनमेंट की स्टेज है ना, वो अभी नज़दीक आ रही है। जैसे ही अलाइनमेंट में आप चले जाते हो, किसी फ्रिक्वेंसी के साथ आप ट्यून इन करते हो, देन ओनली यू आर एबल टू सी सच काइंड ऑफ बिग सरप्राइजेस। यूनिवर्स उन्हीं लोगों के लिए ऐसे बिग सरप्राइजेस प्लान करता है जो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक सही वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। जस्ट हैव अ ट्रस्ट, ट्रस्ट की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपको बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस दिखाई देंगे, मिरेकल्स दिखाई देंगे। लेट गो। सी, आपको क्या करना है दोस्तों, भरोसा करना है एंड लेट गो कर देना है किसी भी चीज़ को। बहुत सारे लोग चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, जकड़ के बैठते हैं, और फिर चीज़ें उनके हाथ से रेत की तरह, पानी की तरह छूटते जाती है। आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हूँ लोगों को। अगर आप रेत को जकड़ोगे तो क्या होगा, रेत इज नथिंग बट एबंडेंस। क्या आपको पता है समुंदर की रेत में कितने कण है, आपको नहीं पता, दैट इज एबंडेंस। एबंडेंस को जकड़ना चाहोगे, वो रेत आपके हाथ से फिसल जाएगी। पानी दोस्तों, पानी आप मतलब आपकी मुट्ठी में कितना पानी आ रहा है या इस पूरी दुनिया में कितना पानी है, गिनना बड़ा मुश्किल है। अगर उस एबंडेंस को आप खींचना, मरोड़ना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो जब भी आप ट्रस्ट करो, कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करो, करके उसे छोड़ दो, लेट गो करो। अगर आपने सोचा है कि मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, सोच लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, देन लेट गो दैट थॉट, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी और आपको आपकी लाइफ में बिग चेंजेस दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है, ये सारे कार्ड्स परफेक्टली अलाइंड है दोस्तों, और बात शुरू होती है ट्रस्ट से।
ट्रस्ट कब बिल्ड होता है हमारे हमारे अंदर, जब हम परफेक्टली एक फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून इन होते हैं, अलाइन होते हैं। हमको पता ही है यार मैंने ये सोच लिया है, मेरे को पता है मेरे यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे ये दे के ही रहेंगे। सोचा और उस थॉट को ब्रह्मांड में छोड़ दिया, यूनिवर्स में छोड़ दिया मैनिफेस्ट होने के लिए। यूनिवर्स को बात पता चल गई और आपको अबंडेंस दिखाई दे रहा है, मैजिक बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आई गेस आपकी आज की ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी। ऑल दिस कार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो प्लीज़ इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए रीडिंग के ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आप सब लोगों के साथ रेजोनेट करी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी। आई रेजोनेट विद दिस रीडिंग। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।